हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ एकदम तैयार वैर होके, इतना बड़ा सा बैग टांग के। इतना बड़ा बैग है जिसमें मेरी सारी गृहस्थी समा जाएगी दुकान में, और मैं पार्लर भी जाऊंगी अभी क्योंकि वो जो जानवर लेटा है उसको इंसान बनाना है मुझे। मेरे बिना इसका कोई काम हो नहीं पाता है क्योंकि दिमाग की कमी है इसके अंदर, और सारा काम अभी मैं ही इसका करवाऊंगी। शादी की जो भी तैयारियां इसकी वाली रह गई है वो मैं करवाऊंगी। इसके आते ही लाइट भी चली गई थी, अभी आई है। इसका कोई भी काम मेरे बिना तो हो नहीं पाता, तो सारा काम मुझे करना पड़ेगा। काम करने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, जो काम करने के लिए बड़ी बहन की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी बात बोली, इसका पैसा मांग लेगी हमसे। लाओ 500 रुपया। इतनी देर से इससे कह रहे हैं कि मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा आ जाओ, ये मेरे ब्लॉग में ही नहीं आना चाह रही है। अरे तुम्हारा ब्लॉग हमको पसंद नहीं है। इतना सब दिमाग में नहीं आ रहा, क्या बोले, ऐसा क्या इनने किया है जो हम बोल दे इस ब्लॉग में कि सब लोग समझ ले कितनी अच्छी। याद ही नहीं आ रहा है। गाइस, मेरी बहन इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, सबसे अच्छी बहन है। और क्या बोले, कुछ ऐसा क्यूट बोले, याद ही नहीं आ रहा। कुछ अचानक में सब पूरा दिमाग ब्लैंक हो गया मेरा। चाय बना के दी थी जब हम आए थे तो उनको, थैंक यू। और उसे हमसे ही दूध और ब्रेड मंगवाई थी फोन करके, उतर के ले लेना रास्ते में, तब आना रूम पे, नहीं तो हम दोबारा नहीं जाएंगे लाने के लिए। आज अपना हेयर डिटॉक्स कराने जा रहे हैं। डिटॉक्स नहीं, बुटॉक्स। बुटॉक्स पहले ऐसे लग रहा है, अब आके बताइए ऐसे ट्रांजिशन वीडियो ऐसे करेंगे, ऐसे अच्छा चलेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, पता चले खराब हो जाए यार। अभी इसका बाल भी कट रहा है इसी में, और हमको बैठे बैठे 2 घंटे हो गए यहाँ पे फालतू में। क्या हो रहा है मेरे पास। बगल में वेकफिट का शोरूम था तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ आ गई हूँ, और अभी भी इनकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। ले देखो, इधर देखो। वन टू थ्री, ये रहा फाइनल रिजल्ट। जब से हेयर बोटॉक्स हुआ है तब से लगातार बाल सहलाए जा रहे हैं। जाओ जाओ। और अभी हमें शॉपिंग भी करनी है और भूख भी लगी है, तो इसलिए हमने स्वीट कॉर्न ले लिए, जो केवल मैं खाऊंगी। श्रुति पांडे को ऐसी अच्छी चीज़ें पसंद नहीं है। यह वीडियो में व्लॉगिंग नहीं कर रही, सिर्फ अपना मुंह देख रही है। तो काफ़ी देर ढूंढने के बाद श्रुति पांडे ने एक चीज़ पसंद कर लिया है, जिसको अभी अल्ट्रेशन के लिए दे दिया गया है। अभी और बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है जो आज नहीं हो पाएंगी, इनका सारा साज सज्जा में ही टाइम चला गया। घर पे खाना बनाने की ताकत नहीं, तो अब हम लोग खाना खा के जाएंगे। तो अभी हम लोग घर वापस आ गए हैं, और आते ही हमने चाय पी ली है क्योंकि खाना खा के हम आए थे और खाना बनाने की हमारे पास ताकत बची नहीं थी। तो मिस्टर श्रुति, मिस श्रुति पांडे ने, मैडम श्रुति पांडे ने अभी भी चाय बनाई है जो कि हम लोग पी चुके हैं, और ये इतने स्टाइल में बैठी हैं, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हैं। बाल से इनका हाथ नहीं हट रहा है, और ये देखो स्टाइल में, ओहो बस। और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। बाय बाय।